सोशल मीडिया लिंक पे शेयर कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम या पोस्ट ग्रुप पाउडर ब्रशर Everyone, welcome back to my channel Glamify with me, and welcome if you are visiting my channel for the first time. So this is me Shivangi, and today I'll be sharing a monsoon makeup look. और मैंने ये makeup look create किया है इस monsoon season के लिए. ये makeup create करना काफ़ी quick है, simple है, and yes, ये makeup काफ़ी long lasting और smudge proof बनाने की मैंने पूरी कोशिश की है. So if you are interested, then stay tuned. And before that, I would request, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, then make sure इसे subscribe कर ले and press the bell button. और वीडियो पसंद आता है तो please इसे like और share करना बिल्कुल मत भूलिए. Now let's start this video. तो मैं सबसे पहले start कर रही हूँ cleansing से, और उसके लिए मैं यहाँ पर use कर रही हूँ Cara Wet Wipes. And now next I'm using this biotic serum, and ये काफ़ी light weight है and अच्छा खासा moisture दे देता है जितना required होता है without any stickiness. So this time I'm using this moisturizer. वैसे normally मैं biotic ये morning nectar moisturizer use करती हूँ, but इस season में ये काफ़ी sticky हो जाती है. नेक्स्ट आफ्टर मॉइस्चराइजर आई एम गोइंग टू अप्लाई माई सनस्क्रीन. ये है न्यूट्रोजिना अल्ट्रा शेयर SPF 50 सनस्क्रीन. ये मैट है, लाइट वेट फॉर्मूला है एंड वाटर प्रूफ भी है. और सनस्क्रीन हमें कभी भी स्किप नहीं करनी चाहिए, इवन इन मॉनसून, टू प्रोटेक्ट अवर स्किन फ्रॉम यूवी रेज. तो सनस्क्रीन हर सीजन में अप्लाई करना ही करना है. And now next step is very important, that is to prime our face. And उसके लिए मैं यहाँ पे use कर रही हूँ ये color bar का primer. This is oil free primer and it will also help our makeup to last for really long time. And ये हमारे skin के जो भी imperfections है, fine lines या फिर जैसे कि open pores के issue, ये सारी चीज़ों को cover up करता है. Open pores हैं तो उसे minimize करता है, and ये smooth base देता है हमारे rest makeup के लिए. And next for concealer, I'm using this LA Girl Pro HD Concealer. ये बहुत अच्छा concealer है, इस टाइम मेरा favorite भी है. ये बहुत easily blend हो जाता है and अच्छी coverage देता है, smudge नहीं होता है, it really lasts for long time. तो मुझे यही concealer सही है मेरे इस monsoon season के लिए. But yes, अगर आपके पास ये concealer नहीं है, no issue, you can also go for this concealer. This is Maybelline Age Rewind Concealer and इसमें मेरा shade है sand. And इसे use करके मेरे जो भी uneven skin tone है या फिर जो भी मैं area hide करना चाहती हूँ, जैसे मेरे lips के आसपास का area थोड़ा darker है या जो भी ये marks हैं या redness है, ये eyes के आसपास भी मैं इसे apply करूँगी, so that कि एक even base हो जाए मेरे face. And I'm not using any foundation over here क्योंकि मैं makeup को काफ़ी light रखना चाहती हूँ और उसे layer up नहीं करना चाहती हूँ, so that कि वो इस मानसून सीजन में कहीं केक ही ना लगने लगे. तो मैं बहुत ही कम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ और मेकअप को लेयर अप नहीं कर रही. यस, अगर आप फिर भी कोई अच्छा फाउंडेशन या आप और ज़्यादा कवरेज चाहते हो, यू वांट टू गो फॉर फाउंडेशन, तो आप कोई भी मैट लाइट वेट फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो. जैसे कि मेबलिन का भी फाउंडेशन बहुत अच्छा है, मेबलिन फिट मी फाउंडेशन, उसमें मेरा शेड है 230, आप उसके लिए भी जा सकते हो. Mini beauty blender to blend my concealer. Easily ये blend हो गया, बिल्कुल skin like finish देता है. That is why I love this LA Girl Pro HD concealers. And now next to lock my concealer और इसे set करने के लिए I'm using this Maybelline Fit Me Loose Powder. इसमें मेरा shade है 20 medium. एंड इसे मैं थोड़ा अपने अंडर आई पे लगाऊंगी क्योंकि मेरे टी जोन पे ऑयल ज़्यादा आता है, तो मैं टी जोन को ज़्यादा फोकस करूंगी. एंड उसके अलावा मैं इसे यूज़ करके, थोड़ा लूज पाउडर यूज़ करके पूरे फेस को भी इसी से सेट कर लूँगी.
तक मेरा लूज पाउडर सेट होता है, मैं अपनी ब्राउज शेप कर लेती हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर की ये रिट्रैक्टेबल ब्राउ पेंसिल। इसके पीछे आपको ऐसे इस तरह की स्पूली मिलती है एंड अंदर नेक्स्ट एंड पे आपको इस तरह की रिट्रैक्टेबल पेंसिल मिलती है। इसका शेड मैं अपने स्क्रीन पे या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। एंड यस, इस सीजन में आप बिल्कुल भी कोई भी क्रीमी ब्राउ पेंसिल मत यूज़ करिएगा, ये काफ़ी वैक्सी है एंड मैट है। सो आई एम यूजिंग दिस ब्राउ पेंसिल टू शेप माई ब्राउज। ओके एंड नाउ आई एम डन विद माई आईब्रोज। तो अब मैं जो भी एक्सेस लूज पाउडर है उसे डस्ट ऑफ कर देती हूँ। एंड नाउ फॉर आई मेकअप आई एम यूजिंग दिस एन वाई बे आई पेंसिल। इसमें मैंने शेड पिक किया है ब्रॉन्ज और इसे मैं सिर्फ अपने आईलिट पे अप्लाई करूंगी। इसमें थोड़ी सी शिमर भी है तो आई थिंक अच्छा लगेगा, तो मैं इसे यूज कर रही हूँ अपने आईलिट पे एंड देन आई विल ब्लेंड इट विद माई फिंगर टिप्स। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड आई शेडो पैलेट रोज इन द एयर। उसमें से मैं ये ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ जो ये मैंने क्रीम पेंसिल यूज करी है एंड बाई बे की, उसे सेट कर लूंगी। काजल के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ कलर बार का ये काजल, ये ब्राउन शेड मैंने पिक किया है एंड इसे मैं अपनी वाटर लाइन पे नहीं अप्लाई कर रही हूँ, लैश लाइन पे, लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूंगी, वो भी जस्ट हाफ लोअर लैश लाइन पे। एंड इसमें जो बैक साइड पे जो स्मर्जर है उसे यूज करके इसे थोड़ा स्मर्ज कर लूंगी। सो या आई एम डन विद माई आई मेकअप। अब सिर्फ बचा है मस्कारा। उसके लिए मेरे पास कोई भी इस सीजन के हिसाब से वाटरप्रूफ मस्कारा नहीं है। मैं वाटरप्रूफ मस्कारा पसंद नहीं करती हूँ, उससे मेरे लैशेज मुझे लगता है ज़्यादा टूटती है, तो आई डोंट हैव एनी वाटरप्रूफ मस्कारा। बट यस, इस मानसून सीजन में आप कोई वाटरप्रूफ मस्कारा ही यूज़ करिए या फिर इस तरह आप मेरी तरह कोई भी वेट एंड वाइल्ड का, वैसे मेरे पास ये है क्लियर मस्कारा, तो इसे मैं यूज़ करने वाली हूँ फॉर माई मस्कारा। एंड यस, इसका एक और बेनिफिट ये है कि इसे मैं अपनी ब्राउ हेयर को भी इसी यूज़ करके फिक्स कर लूँगी, सो दैट कि इवन इफ अगर ये स्मर्ज भी होता है तो एटलीस्ट मेरा मेकअप रिवील नहीं करेगा, मेरा मेकअप मैस आउट नहीं करेगा। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्लशर एंड लिपस्टिक। मेरे पास कोई भी लिक्विड ब्लशर नहीं है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो इस सीजन में काफ़ी टाइम तक लास्ट करते हैं एंड पाउडर ब्लशर की तरह वो पैची या फिर फेड ऑफ नहीं हो जाते हैं। सो आई एम यूजिंग दिस शुगर लिपस्टिक। इसका शेड है प्लम यम 04। इसे मैं अपने लिपस्टिक भी यूज़ करूँगी और सेम देर अपने ब्लशर के लिए भी यही लिपस्टिक यूज़ करने वाली हूँ। यह है एक लिक्विड लिपस्टिक। And lastly, to set our makeup, I'm using this Wet n Wild makeup fixer. For today's video, I hope you find this video helpful for yourself. So do not forget to like and share this video and yes, create this makeup look and enjoy this monsoon season. Or yes, agar aap chaho to apni pictures mujhe Instagram and Facebook dono par share kar sakte ho, unka link maine description box mein mention kar diya hai, you can follow me there for more updates. And now I will see you in my next video very soon. Till then, take care and bye.